दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि सारा का सारा सुरक्षा व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था नकली सिंघम का है सर, नकली सिंघम का राउत ने चैलेंज दिया सर आपको। अरे भैया, हमारी सरकार में जब आरोपी पुलिस पर गोली चलाता है तो बोलते पुलिस ने क्यों गोली चलाई, क्या पुलिस ने गोली खानी है? पुलिस सामने वाला आरोपी अगर पुलिस पर फायरिंग करता है, ये बदलापुर में तो ये दोगली डबल ढोलकी वाले लोग हैं, दोनों बाजू से बजाते हैं, उनको कोई नैतिकता नहीं है। बदलापुर वाले केस में एक छोटी बच्ची पे अत्याचार हुआ, उस आरोपी की बाजू लेने वाले ये लोग, ये क्या कानून की भाषा करते हैं? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। अरे भैया, महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे, इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे, पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी, निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे।